हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द पीपल्स एकेडमी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग सामान्य शिक्षा एवं विशिष्ट शिक्षा का अध्ययन करेंगे। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले हम देखेंगे सामान्य शिक्षा यानी जनरल एजुकेशन, जिसमें यह कहा गया है कि सामान्य शिक्षा सामान्य विद्यालयों में प्रदान की जाने वाली शिक्षा है। यह बालकों को सामान्य जीवन यापन करने हेतु तैयार करती है, इसलिए इसे उदार शिक्षा भी कहते हैं। और अगर हम लोग इसको सरल शब्दों में समझें तो सामान्य शिक्षा के अंतर्गत ऐसे बालकों को शामिल किया जाता है जिनके अंदर किसी भी प्रकार का विकार नहीं होता है। विकार का मतलब है किसी भी प्रकार की मानसिक बीमारी नहीं होती है या किसी भी प्रकार का शारीरिक दोष नहीं होता है। उन्हें एक सामान्य विद्यालय में, सामान्य कक्षा में और सामान्य बालकों के साथ शिक्षा दी जाती है। अब आइए देखते हैं विशिष्ट शिक्षा के बारे में। विशिष्ट शिक्षा यानी स्पेसिफिक एजुकेशन के बारे में समझने से पहले हमें इसके आधारभूत परिभाषा को समझना जरूरी है, जिसमें यह बताया गया है कि विशिष्ट शिक्षा के अंतर्गत ऐसे बालकों को शामिल किया जाता है जिनके अंदर किसी प्रकार की मानसिक बीमारी होती है या किसी प्रकार का मानसिक दोष होता है या शारीरिक दोष होता है। मानसिक बीमारियों के अंतर्गत जो है ऑटिज्म नाम की एक कॉमन बीमारी है, जिसे हम लोग इसका परफेक्ट उदाहरण कह सकते हैं। और इस प्रकार की शिक्षा के अंतर्गत जिन बालकों को शामिल किया जाता है उन्हें हम लोग विशिष्ट बालक कहते हैं। अब आइए हम लोग इसके थ्योरेटिकल पार्ट को समझते हैं, जिसमें यह कहा गया है कि किसी विशेष उद्देश्य से प्रदान की जाने वाली शिक्षा विशिष्ट शिक्षा कहलाती है। अब यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि हम जिन बालकों को शिक्षा दे रहे हैं वे जो है किसी मानसिक बीमारी या किसी प्रकार के शारीरिक विकार से ग्रसित हैं, तो उनको इस प्रकार से शिक्षा दी जाए कि उनको ज़्यादा बर्डन फील ना हो, तो वह उनके लिए कारगर साबित होगा। यानी कि एक विशिष्ट शिक्षा दी जाए किसी विशेष उद्देश्य के लिए, जिसमें आगे बताया गया है कि विशिष्ट शिक्षा में बालक को किसी कौशल में दक्ष कराया जाता है अथवा उसे किसी व्यवसाय विशेष में अधिक पारंगत बनाया जाता है। कहने का मतलब यह है कि एक जो विशिष्ट बालक रहेगा जिसके अंदर किसी प्रकार की बीमारी रहेगी या किसी प्रकार का मानसिक दोष रहेगा, वह बालक हर क्षेत्र में या फिर हर सब्जेक्ट को पढ़ने में असहजता महसूस करेगा, यानी उसको दिक्कत होगी। तो ऐसे बालकों के लिए यह सॉल्यूशन निकाला गया है कि इनको जो है किसी एक पार्टिकुलर व्यवसाय के संबंध में स्किल्स को सिखा दिया जाए, यानी उसी स्किल्स का इनको ट्रेनिंग दिया जाए, जिससे कि वह उसमें पारंगत हो जाएं और एटलीस्ट यह इतना सीख जाएं कि अपनी आजीविका अर्जित करने में सक्षम हो सकें। क्योंकि उनको भी समाज में रहना है, समाज में रह के सर्वाइव करना है, तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ अपनी आजीविका के लिए करना पड़ेगा। तो इसीलिए जो है इस प्रकार की शिक्षा का ऐसे बालकों के लिए वर्तमान में अधिक महत्व है, इसलिए इस पर अधिक बल दिया जा रहा है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोगों ने सामान्य शिक्षा एवं विशिष्ट शिक्षा के कॉन्सेप्ट को समझा है। आई होप कि इसका कॉन्सेप्ट आप लोगों का क्लियर हुआ होगा। थैंक यू।